तो फ्रेंड्स इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं, मैंने कहा था ना लाइट सेटअप करने वाला हूँ स्टूडियो में, तो अब हम करने वाले हैं लाइट सेटअप के लिए। ये देख सकते हैं ये पीछे बॉक्स पड़ा है, इस बॉक्स में है हमारा लार्टेन गोडॉक्स की 65 सेंटीमीटर C65 मॉडल, मैं एग्जैक्ट लिख दूंगा क्या है। ये सबसे छोटे वाला मॉडल है क्योंकि हमारे पास छोटा स्टूडियो है, छोटा कमरा है, तो ज़्यादा बड़ा स्पेस है, इसलिए मैंने ये लैंटर्न लिया, बॉक्स नहीं लिया, वो जो कहते हैं क्या कहते हैं सॉफ्ट बॉक्स नहीं लिया इसके, ये ज़्यादा यूनिवर्सल है। तो अभी हम अनबॉक्सिंग दिखाते हैं इसकी आपको। So this is it, ये आप देख सकते हैं। रूम रूम के हिसाब से काफ़ी बढ़िया चीज़ है छोटे सेटअप के लिए। फ्रेंड्स अब आप मुझे देख रहे हैं गोडॉक्स लाइट के बीच में, एंड बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा है, एंड यू कैन सी द इफेक्ट विद इट ऑन मी। तो आपको लाइट भी दिखा देते हैं, तो ये मेरा लाइट है, तो दिस इज़ द फर्स्ट शॉट आई एम टेकिंग विद इट, तो आपको पता लग रहा होगा। अब
हमारी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हमने यहाँ पर रखना है, ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है पीछे से ये मैं दिखाना चाहता हूँ, तो वो अब मैं सेट करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी माइक ऑन नहीं किया, तो नेक्स्ट शॉट विद माइक एंड एवरीथिंग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोनटर डॉक्टर वंस अगेन, होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें अब लाइट जो सेटअप है, जो लाटरन का, मैं ये फुल सेटअप, फाइनल सेटअप आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो इसका लिंक्स मैंने दे दिए, अगर आपने कोई सामान लेना है तो इसमें आप ले सकते हैं। इसमें मैंने लिया CS65 मॉडल, जो कि मेरे छोटे सेटअप के हिसाब से काफ़ी बढ़िया था। छोटा सेटअप है, छोटे सेटअप में इससे बड़ा आप लेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये सेटअप मैंने लिया और आपके सामने रिजल्ट है, बहुत बढ़िया। और कोई लाइट नहीं जग रही है इसके अंदर, इस कमरे में सिर्फ सिंगल लाइट जग रहा है। पीछे से मैंने एक प्रैक्टिकल लाइट की तरह वो लोगो, मैंने इसका वीडियो पहले बनाया था तो बताया था। अब मैं इसमें बताने वाला हूँ क्या क्या इसमें, पहले हाउ टू सेटअप दिस लांटर्न, जो कि काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं। देर आर मेनी वीडियोस ऑफ लांटर्न सेटअप, बट देर इज़ नो वीडियो हाउ टू एक्चुअली फिट दिस लांटर्न इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस वीडियो। ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो प्रॉब्लम आती है, जो मुझे आई, आई थिंक वो फिर मैंने सर्च किया चारों तरफ, कहीं पर भी मुझे वो वीडियो नहीं मिला कि एक्चुअल में बोवन माइंड्स माउंट के अंदर वो लगाना कैसे। सो व्हाट वाज़ द प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कई बार व्हेन इट कम्स इन द पैकिंग, जैसे मेरे पास आया था, उसमें एक स्क्रू होता है, वन स्क्रू वॉज लाइंग इन द बैग, मतलब एक जगह पर वो स्क्रू नहीं लगा हुआ था, वो आप लगा सकते हो, तो उसका यूज़ है। अगर आप वो नहीं लगाओगे तो आपका बोवन माउंट्स पे लगेगा नहीं। सो व्हाट हैपेंड व्हेन आई अनबॉक्स दैट लांटर्न दैट फ्रेम, उसके अंदर जो बोवन माउंट्स था, इट वाज रोटेटिंग फ्रीली, वो घूमता था। तो जैसे आप अभी वीडियो में देखेंगे, मैंने मोबाइल से बनाया, तो वो जब घूमता था, तो इसकी वजह से जो हम इसको उसमें लगाते हैं, तो अगर मैं इसको घुमाऊँ तो ये खुद ही घूम जाता है, ये लॉक ही नहीं होता उसका। दिस इज फॉल्टी। सो दैट वॉज अ प्रॉब्लम कमिंग इन माई केस। सो व्हेन आई वॉज ट्राइंग टू पुट दैट लांटर्न ऑन, ये इसके अंदर एक स्क्रू आता है, अगर वो लगा हुआ है तो वो रोटेट ही नहीं करेगा। इफ इट इज़ नॉट रोटेटिंग योर बोवन माउंट, इट इज नॉट रोटेटिंग ऑन द लांटर्न, देन इट इज़ ओके, देन इट विल फिट वेरी इजिली। अगर आपका बोवन माउंटेन इज नॉट इज रोटेटिंग फ्रीली, देन यू कैंट लॉक इट ऑन द लाइट, देन यू हैव टू फर्स्ट स्क्रू दैट थिंग विद योर हैंड, इट इजिली यू कैन डू इट विद योर हैंड एंड फिक्स दैट लांटर्न माउंट ऑन द लांटर्न फ्रेम एंड देन फिक्स इट ऑन द लाइट। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे आई थी, तो मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया एंड नाउ इट इज़ ओके, नाउ इट यू कैन फिट, नाउ यू कैन सी द इफेक्ट, द लाइट इज़ कमिंग राइट ऑन माई फेस। अभी इट इज़ फुली ग्लोइंग द रूम, क्योंकि इस पर मैंने कोई स्कर्ट, एक स्कर्ट आती है वो भी मैं लूँगा आने वाले टाइम में, तो वो इसको कवर कर देगी। देन वी हैव ब्लैक आउट एट द बॉटम, अभी आप देख रहे हैं पीछे से कभी लाइट हुआ है। सो इफ़ आई डोंट वॉन्ट दिस थिंग टू लाइट अप विद दिस लांटर्न, देन आई विल ग्लो इट अप, मतलब कवर इट अप विद दैट स्कर्ट, देन इट विल एक्ट लाइक ए बिल्कुल सॉफ्ट वॉच, जो डायरेक्शनल हो जाएगा बिल्कुल, सिर्फ यहीं से मेरे पास लाइट आएगी। अभी मुझे रिक्वायर्ड नहीं था, तो आई हैव जस्ट डन इन दिस वे। सो दिस इज़ द फुल रिव्यू। इट इज़, अब मैं बताऊँगा कि आपको डिजिटेक्स और सस्ती वाली लाइट्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आई विल रिकमेंड गोटॉक्स ओनली, बिकॉज नंबर वन, बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड, नंबर टू, द क्वालिटी ऑफ लाइट यू सी, मैंने तीनों टेस्ट करी हैं फ्रेंड्स शोरूम में जाके, बट जो क्वालिटी एंड जो नेचुरल कलर्स एंड द थिंग विच कम्स विद दिस लाइट इज़ नॉट पॉसिबल विद एनी अदर लाइट। सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव चोजन दिस वन। अभी मैंने इसका रिमोट भी लिया है, तो रिमोट से थोड़ा और ईजी हो जाएगा। अभी आई एम नॉट एबल टू सी द एक्सपोजर, अभी मैंने इसको 80% पे रखा हुआ है, आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। इसको 70 भी चलाऊंगा तब भी आई एल गेट गुड। नाउ आई एम गेटिंग लिटल बिट ऑफ शेड फ्रॉम दिस साइड, बिकॉज आई वॉन्ट टू क्लिक द लांटर्न इज ऑन दिस साइड। अगर मैं इसको थोड़ा और ऊपर माउंट करता हूँ, देन फुली ग्लो करेगा। टू काउंटर दैट आई कैन यूज सम सेकेंड लाइट फ्रॉम दिस साइड, छोटी सी, जो कि मुझे थोड़ा ग्लो करेगी। सो that I can show you how it will look. So this is the light which if I put on me from this side, now you can see that the fully jo shadow is taraf se aa raha tha, तो दैट यू कैन लिफ्ट। बट अब फ़र्क देखिए, ये छोटी सी लाइट है, इसका भी मुझे ना असर पड़ता है, एंड इट इज़ जस्ट अ बिग
दिस इज द एडवांटेज ऑफ सॉफ्ट बॉक्स यू नो, इतनी बड़ा 80% लाइट मेरे ऊपर पड़ रहा है बट स्टिल आई एम एबल टू लुक इन टू इट एंड टॉक टू इट. और ये हल्का सा भी जब मेरे इधर से पड़ता है, सो दिस इज द थिंग व्हेन यू बाय चीप लाइट्स देन यू हैव टू फेस दिस थिंग्स. तो बाकी आगे जब ग्रो करेंगे तो इधर एक और सेटअप लगा लेंगे सॉफ्ट बॉक्स का. राइट नाउ आई डोंट नीड दैट, दिस इज इनफ फॉर मी एंड फॉर दिस माई स्टूडियो सेटअप. आप बताएं कैसा इफेक्ट्स आ रहा है विद दिस प्रोफेशनल लाइट सेटअप. थैंक यू वेरी मच. लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू. सो दिस इज द 50%. वो जो पहले वाला वीडियो शॉट हुआ था दैट इज़ फॉर 80% और ये है 50% के साथ. आप देख सकते हैं इसका काफ़ी अच्छा ग्लो है. जैसे ही आप छोटे कमरे में, जैसे हमारा छोटा स्टूडियो है, इसकी इंटेंसिटी कम करते हैं तो आपको स्कर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने आप पीछे से डार्क होना शुरू हो जाता है. अभी देखिए पहले ये ज़्यादा ब्राइट था, मैंने इसको थोड़ी 50% पे रख दिया तो इसे सिर्फ ग्लो सिर्फ मेरे पे आ रहा है, इसका लाइट का पूरा इफेक्ट मेरे पे आ रहा है एंड पीछे से बैकग्राउंड थोड़ी डार्क होती जा रही है, जो हम चाहते हैं इफेक्ट. अब मैं इसमें थोड़ा और करके दिखाऊंगा कि 20% पे आई थिंक पीछे से और डार्क हो जाएगा और मेरे पे लाइट और बढ़िया हो जाएगी. तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसको 30% पे रख दिया. 30% पे लाइट बिल्कुल पास मेरे आ रही है और यूज़ कर करके चीज़ का पता लगता है. अब 80% पे थोड़ा मुझे इसमें हीट भी लग रहा था पीछे से क्योंकि उस पर फुल पावर भी चलता है तो ज़्यादा टेम्परेचर भी छोड़ता है. अब मेरा जो पीछे वाला लोगो आप देख पा रहे हैं वो तो अच्छे से पिंक दिख रहा है और मेरे पे भी काफ़ी अच्छा इस पर इफेक्ट आ रहा है. लाइट साइड से आ रही है जो रिक्वायर्ड है और पीछे से थोड़ी डार्कनेस हो गई है. तो इसको आप 30% पे भी चला सकते हो और डिपेंडिंग ऑन योर आई थिंक 40 इज़ अ स्वीट स्पॉट फॉर दिस. बाकी जब रिमोट आ जाएगा तो थोड़ा और अच्छे से हम कर पाएंगे. थैंक यू.